नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। विधानसभा अध्यक्ष श्री सुखंडूरी ने माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि, कहा इतिहास में आज का दिन महत्वपूर्ण। टिहरी के चंबा पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष श्री सुखंडूरी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, गांधी शास्त्री जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। मसूरी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत, शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया। काशीपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाई गांधी शास्त्री जयंती, जयंती पर श्रद्धा सुमन किए गए अर्पित, दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने का आह्वान किया। ऋषिकेश के मंडी परिसर में गुंडागर्दी दिखा रहे अतिक्रमणकारी दबंगई दिखाते हुए पूर्व विधायक को मारा धक्का, माफी मांगने के बाद शांत हुआ विवाद। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी का पिछले कई दिनों से हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनसभाएं कर ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी सतीश फागना के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं फरीदाबाद का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा की सरकार ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हरियाणा बुलंदी के शिखर पर पहुंचा है। इस शिखर पर पहुंचाने का काम पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने किया है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, या पेयजल हो, या सड़कों का जाल हो, बड़े बड़े हाईवे हो, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम हो, या यहां पर IIT एम्स बनाने का काम हो, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का काम हो, ये सारे काम अभूतपूर्व रूप से पिछले 10 सालों में संपन्न हुए हैं। और इसके साथ साथ रेलवे के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो रेलवे का बजट भी जो केवल 300 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज हरियाणा की डबल इंजन की सरकार के समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 300 का बजट 3000 का बजट हो गया, 10 गुना रेलवे का बजट बढ़ा है। आपके क्षेत्र में भी, इस NIT क्षेत्र में भी करोड़ों योजनाओं की लागत से अनेकों कार्य हुए हैं। 1530 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी फरीदाबाद को पश्चिमी फरीदाबाद से जोड़ने की वाली दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। 202 करोड़ रुपए की लागत से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हुआ है, यानी कि अब आधुनिक सुविधाओं से फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन नए रूप में आप सबके सामने है। NIT फरीदाबाद का बस टर्मिनल, इसके निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया है। इसके अलावा भाजपा की सरकार ने फरीदाबाद के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें भी आप सबकी सुविधा के लिए आवंटित की है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, पूरे हरियाणा के अंदर 1,19,00,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं और इसमें हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही झज्जर में कैंसर संस्थान बनाया गया है, 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आपके फरीदाबाद क्षेत्र के 6 गांव में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में भी उन 9 मेडिकल में खुलने वाले 9 मेडिकल कॉलेज में से एक कॉलेज आपके क्षेत्र में भी खुला है। और आपके आसपास मेडिकल कॉलेज खुलने से आप सब जानते हैं आम आदमी को होने वाली परेशानियां, बीमारियां, तमाम प्रकार की स्वास्थ्य की दिक्कतें बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। भाइयों बहनों, अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं, मैं पूरे हरियाणा के अंदर अनेक स्थानों पर, मैं 20 से भी ज्यादा स्थानों पर ऐसी चुनावी सभाओं में जा चुका हूं। अनेक स्थानों पर मैंने देखा है हरियाणा के अंदर आज लोग महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा की भाजपा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जन जन के विकास के लिए काम किया है। भाइयों बहनों, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है, हर घर में नल पहुंचाने का काम किया है, नल से जल पहुंचाने का काम किया है, 24,00,000 गरीब परिवारों को
मुफ्त में गैस के कनेक्शन दिए गए हैं और 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम किया गया है। भाजपा सरकार ने इन सभी कार्यों प्रदेश में जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। किसानों के लिए बात हो या हमारे नौजवानों के लिए बात हो या प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना हो, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, भाइयों बहनों किसान सम्मान निधि हो या हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए। और मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड की मेरी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में यहां बैठी हुई हैं। उत्तराखंड के अंदर आज हमारी माताएं बहनें प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लखपति दीदियां बनाने का जो अभियान शुरू किया है, लखपति दीदी योजना, ये योजना एक वरदान साबित हो रही है। तो फरीदाबाद से सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा भवन देहरादून में स्थित प्रकाश पंत भवन सभागार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बापू की स्मृति में उनका भजन सुना। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। आजादी के लिए जो भी अहिंसात्मक आंदोलन चले उनकी प्रेरणा हमें गांधी जी से ही मिलती थी। स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष के से लेकर के जो है प्रधानमंत्री पद तक अपने सादगी और उच्च जीवन आदर्शों के लिए शास्त्री जी सदैव याद किए जाते रहेंगे। और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का टिहरी के चंबा पहुंचने पर स्थानीय जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को उनके विचारों और कार्यों की प्रेरणा लेने की आवश्यकता पर बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने लोगों से अपील की है कि वे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को अपने जीवन में उतारें और समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभाएं। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा टाउन हॉल सभागार में डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की और शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया। कार्यक्रम में मसूरी के 55 शिक्षण संस्थानों से लगभग 1368 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी शिक्षा का गढ़ है और देश विदेश के छात्र छात्राएं यहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है। कार्यक्रम के आयोजक रजत अग्रवाल ने कहा कि लगभग 4 सालों से उनकी संस्था द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है और आज भी मसूरी के विभिन्न शिक्षक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है। रजत को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। शिक्षकों के सम्मान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, तो मैं बड़े कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, लेकिन आज जो चेहरे यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, ये वो लोग हैं सुनार की तरह हमारे बच्चों को तराश तराश कर उनका भविष्य बनाते हैं। उनका सम्मान समारोह रजत जी ने यहाँ पर आयोजित किया है, इस सोच के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और मैंने कहा ना कि शिक्षक समाज को दिशा देता है, बच्चे को भविष्य को बनाता है। सबसे पहले उनसे अनुरोध किया कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, जिसका आज ह्रास होता जा रहा है। आत्मा की दौड़ में हम अपने मान बिंदुओं को, अपने आदर्शों को भूल अपनी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा समाप्त होती जा रही है। हमें इस परंपरा को, अगर भारत को विश्व गुरु पहुंचाना है, उसको जीवित करना होगा। और एक बार मैं रजत जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के समापन पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहर के 276 पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया है। पर्यावरण मित्रों ने भी कैबिनेट मंत्री को फूल माला पहना करके उनका सम्मान किया। नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने में पर्यावरण मित्र अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत विशेष सफाई कार्यक्रम यानी अभियान चलाकर पर्यावरण मित्रों ने जो शहर और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सफाई की जा रही है और शहर को स्वच्छ बनाया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पर्यावरण मित्रों के द्वारा जो शहर और शहरों को और अधिक स्वच्छ करने का काम किया जा रहा है उससे उम्मीद जगी है कि भविष्य में शहर स्वच्छता के रैंक में अव्वल आने का काम करेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पर्यावरण मित्रों की हौसला अफजाई के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए। और वहीं काशीपुर में आज गांधी आश्रम रोड स्थित नवचेतना भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन पर का जो है गांधी जयंती पर आपको बता दें कि इस मौके पर आपको बता दें कि काशीपुर में आज गांधी आश्रम रोड स्थित नवचेतना भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का उद्घोष करने वाले कर्तव्यनिष्ठ और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि प्रतिवर्ष आज के ही दिन हम दो महान नेताओं गांधी जी और शास्त्री जी को याद करते हैं। राष्ट्रपिता के प्रिय भजन वैष्णव जन में एक संपूर्ण दर्शन समाहित है जिससे हमें जीवन के बहुत से मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। महात्मा गांधी के विचार और सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। हमें उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने रामनगर शहीद स्मारक पर मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने धरने पर बैठकर मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाने की मांग की है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने कहा कि 2 अक्टूबर 1994 के दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा गया था जिसे सोचकर भी आज लोग सिहर जाते हैं। जब अलग उत्तराखंड राज्य के गठन की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था सैकड़ों आंदोलनकारी देहरादून से दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे जिससे वो अपनी मांग केंद्र सरकार के सामने रख सके। जब ये प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रामपुर तिराहा पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पुलिस फायरिंग में 7 लोगों की जान चली गई जबकि कई महिलाओं के साथ रेप किया गया था लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरा होने पर रामनगर में निवर्तमान सभासद भुवन सिंह डंगवाल और वसुंधरा स्वायत्त सहकारिता समूह द्वारा साफ सफाई कार्यक्रम रखे गए जिसमें पंपापुरी सामुदायिक भवन शिव मंदिर कौशल्यापुरी आदि कई जगहों पर साफ सफाई की गई। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य भारत को साफ सुथरा करने और स्वच्छ बनाने और स्वस्थ बनाने के लिए था। यह अभियान न केवल स्वच्छता पर केंद्रित है बल्कि देश की जनता को इसके महत्व के प्रति जागरूक करना भी है। स्वच्छता सिर्फ साफ सफाई का विषय नहीं है, यह हमारी जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा है।
और काशीपुर में गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने अपनी टीम के साथ काशीपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर जाकर जगह जगह पड़े कूड़े को साफ करने का बीड़ा उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा गांधी जीवन शैली और अहिंसा पद्धति को अपनाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में गांधीवादी विचारों का अनुसरण करने का आह्वान किया है, जिसके चलते गांधी जयंती पर भी नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ही बीजेपी कार्यकर्ता देशभर में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, वहीं स्वच्छता के प्रति जनता को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने आसपास जहां कहीं भी गंदगी कूड़ा करकट दिखाई दे तुरंत स्वयं ही उसकी सफाई करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता ही जीवन का आधार है। सभी गांव, शहरों और कस्बों को स्वच्छ और प्रदूषण रहित रखना हम सबका परम कर्तव्य है। और वहीं कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में अतिक्रमण की वजह से होने वाले विवाद थमते नजर नहीं आ रहे हैं। अतिक्रमण करने वाले गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। मंडी परिसर में अतिक्रमण करके लहसुन बेच रहे एक दबंग ने पूर्व विधायक के साथ बदजुबानी कर दी। समझाने पर दबंग ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर पूर्व विधायक को उनकी पत्नी के सामने धक्का तक मार दिया। विवाद हुआ तो पुलिस मौके पर आई और दबंग को हिरासत में लेकर के पुलिस चौकी ले गई। माफी मांगने पर पूर्व विधायक बिना लिखित शिकायत दिए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। पुलिस ने मामले में दबंग को चेतावनी और पुलिस एक्ट में चालान काटने के बाद छोड़ दिया है। पूर्व विधायक ने बताया कि वो कृषि उत्पादन मंडी परिसर में किसी काम से गए थे। इस दौरान मंडी परिसर में अतिक्रमण करके एक युवक लहसुन बेच रहा था। अचानक उनकी कार से के टायर के नीचे उनके लहसुन दब गए और बस इसी बात पर युवक ने जो है दबंगई दिखानी शुरू कर दी, उनके साथ गाली गलौज की और जब वो कार से नीचे उतरे तो युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ धक्का मुक्की की। तो ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंडी में एक विधायक पहुंचे हुए थे और यहां पर एक तो अतिक्रमण किया गया था, कुछ लोगों द्वारा लहसुन लगाया गया था अतिक्रमण करके कुछ जगह पर, और उसके बाद से विधायक के साथ धक्का मुक्की की गई। और उधर विधानसभा भवन देहरादून में स्थित प्रकाश पंत भवन सभागार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ जो है बापू की स्मृति में उनका भजन सुना। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। आजादी के लिए जो भी अहिंसात्मक आंदोलन चले उनकी प्रेरणा हमें गांधी जी से ही मिली थी। स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष से लेकर के प्रधानमंत्री पद तक अपनी सादगी और उच्च जीवन आदर्शों के लिए शास्त्री जी सदैव याद किए जाते रहेंगे। तो उत्तराखंड के खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ चलेंगे हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है।